डियर स्टूडेंट, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय सहनशीलता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए बच्चों, हमने इससे पहले जो कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रभावित करने वाले कारक और टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, इसके बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम उसी क्रम में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, चुंबकीय सहनशीलता के बारे में पढ़ेंगे और इस क्या है ये, किस पर जो है इसका क्या मामला है, पूरा ये पढ़ेंगे और फिर उसको कैसे इसका निर्धारण किया जाता है या इसके डिटर्मिनेशंस के मेथड है, उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए आप, सबसे पहले हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए, यह एक पैरामीटर्स है जो पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति के मापदंड हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसकी कोई सैद्धांतिक परिभाषा भी नहीं है, बल्कि इसे एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष तुलना करके निकाला जाता है। इसका व्यंजन है डेविएशंस है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है एक पैरामीटर्स है और इसकी हम कोई एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन भी नहीं दे सकते, और ये जो पदार्थों का चुंबकीय प्रकृति है उसके मापदंड हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कैसे उसको मापा जाता है, उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर जो है यूज किया जाता है, जो कि एक डेविएशन व्यंजन है। अब देखिए, यहाँ पर जो है एक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ गहरी चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता h है के सापेक्ष रखा जाता है, और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी तीव्रता h है उसके सापेक्ष रखा जाता है। तो एक समीकरण आती है यहाँ पर, b बराबर एच प्लस फोर पाई आई। बी है यहाँ पर कैपिटल, जो बी है यहाँ पर प्रायोगिक पदार्थ के क्षेत्र की तीव्रता है, और 4 पाई आई प्रायोगिक पदार्थ का प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है। अतः बाह्य क्षेत्र को विभाजित करने पर, मतलब बाह्य क्षेत्र यहाँ पर h है उसको विभाजित करने पर, तो यहाँ पर ये जो समीकरण थी b बराबर h प्लस 4 पाई आई, इसमें पूरी को हम जो है उस पूरी समीकरण को हम h से डिवाइड कर देते हैं, तो बी एच बराबर एच ऑब्लिक एच प्लस फोर पाई आई एच। अब इसमें क्या है, एच एच तो कट गए यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा है अपना बी ऑब्लिक एच को हम म्यू से, और आई ऑब्लिक एच को हम के से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आई समीकरण, उसमें बी ऑब्लिक एच को हम म्यू से और आई ऑब्लिक एच को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो ये जो समीकरण हमारी जो निकल के आई वो ये यहाँ पर आई कि म्यू बराबर जो है 1 प्लस 4 पाई के। तो यहाँ पर के जो है एक आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति है, और म्यू है चुंबकीय सहनशीलता। क्या है? चुंबकीय सहनशीलता, या क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है यहाँ पर। और के जो आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति है इसको हम क्या कहते हैं, के को क्या बोलते हैं, पारंगयता, समझ रहे। तो कुल तीन दशाएं संभव है म्यू और के मध्य संबंधित करके पदार्थ की चुंबकीय व्यवहार की जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। पहली जो कंडीशन है यहाँ पर म्यू और के मध्य में, पहली जो कंडीशन है यहाँ पर म्यू इज ग्रेटर देन के, और सेकंड कंडीशन है के इज ग्रेटर देन म्यू, और म्यू इज जो है इक्वल टू है के। तो यहाँ पर जो म्यू इज इक्वल टू के है, ये तो जो है यहाँ पर इसकी संभावना बहुत कम है, इसके थॉर्टिकल आप इसको मान सकते हैं, ये प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं है। पहली कंडीशन थी यहाँ पर म्यू ग्रेटर देन के, अगर म्यू ग्रेटर देन के का मतलब है म्यू का मान ज़्यादा है, मतलब ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, परमता कम है, तो ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है। अगर किसी में म्यू का मान ज़्यादा है, किससे, के से, तो उस पदार्थ की चुंबकीय गुण वो पदार्थ प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, मतलब उसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होंगे और बाह्य क्षेत्र की रेखाओं को अपने भीतर से नहीं गुजरने देगा, अर्थात
चुंबकीय बल रेखा क्षेत्र से हटकर गुजरेगी, जो कि हमने डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा। अगर कंडीशंस नंबर यहाँ पर हमारी सेकंड है कि के इज ग्रेटर देन म्यू या म्यू इज लेस देन के, तो पारंगतता यहाँ पर जो है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर जो है अधिक है, किससे अधिक है, किससे, ससेप्टिबिलिटी से, सहनशीलता से, तो ऐसे पदार्थ में चुंबकीय बल रेखा अंदर से गुजरती है या भीतर से गुजरती है, या वह अनुचुंबकत्व या लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब उसके अंदर चुंबकीय गुण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या गणना जो करेंगे हम, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया, बी एम बराबर ई एच ऑब्लिक 4πmc। तो यहाँ पर जो है, और म्यू बराबर एक फॉर्मूला हम पहले से पढ़े थे, म्यू बराबर अंडर रूट n+2, और n यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के सापेक्ष परिकलित चुंबकीय आघूर्ण bm को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई, इस टेबल में यहाँ पर तो एक तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर क्या लिया गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n, दूसरा परिकलित चुंबकीय आघूर्ण है ना, वो यहाँ पर bm जो फॉर्मूला दिया वो लिया गया, और दूसरा कौन से संकरण धातु में है ये, और तीसरा यहाँ पर चुंबकीय व्यवहार, उसका चुंबकीय व्यवहार क्या होगा। तो देखिए अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो है तो यहाँ पर जो है bm का मान भी जीरो होगा, और s और वो जो कंपाउंड या वो धातु है क्या होगा डायमैग्नेटिक होंगे, प्रतिचुंबकीय, मतलब उसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम +3 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, 3d0 विन्यास है। टाइटेनियम +4 है, उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 जो है 0 है। और ZN +2 है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन 3d में, तो वो भी वहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। तो ये जो है इनमें प्रतिचुंबकीय गुण होगा। अगर n बराबर बने यहाँ पर, तो परिकलित चुंबकीय आघूर्ण bm का जो मान है वो आएगा 1.73। जैसे Ti +3 है, वेनेडियम +3 है, कॉपर +2 है, ये इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, और अगर ऐसा है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रहा है, इट मीन्स इसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी। इसी प्रकार के n का मान अगर 2 है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो bm का जो मान आ गया परिकलित चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा 2.83। जैसे Ti +2 है, वेनेडियम +2 है, Ni +2 है, और इसमें पैरामैग्नेटिक गुण होंगे, अनुचुंबकीय होगा, ये व्यवहार इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ये होगा। अगर n का मान 3 है यहाँ पर, तो इसका जो है bm जो परिकलित चुंबकीय आघूर्ण का मान, मैग्नेटिक मोमेंट का मान 3.87 आएगा। जैसे वेनेडियम +2 है, क्रोमियम +3 है, कोबाल्ट +2 है, तो ये इसका व्यवहार भी पैरामैग्नेटिक होगा। अगर n का मान यहाँ पर 4 है, तो जो है परिकलित चुंबकीय आघूर्ण का मान 4.9 आएगा। जैसे क्रोमियम +2 है, मैग्नीज +3 है, Fe +2 है, Co +3 है, और उसका व्यवहार भी डायमैग्नेटिक होगा। और अगर n का मान 5 है, मैक्सिमम 5 यहाँ पर, तो मैग्नीज जैसे जो है, तो जो है मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान यहाँ पर आएंगे 5.92 आएंगे। जैसे Mn +2 और Fe +3 है, और इसका व्यवहार भी डायमैग्नेटिक होगा। तो ये यहाँ पर हमने ये इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट की। अब देखिए हम जो ये हमारी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी, चुंबकीय सहनशीलता थी, तो इसका हम कौन से मेथड से इसका निर्धारण करेंगे, मेथड फॉर डिटरमिनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को निकालने के लिए क्या मैटर है, कौन से मेथड्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसके जो मेथड है कि किसी भी पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार का मापदंड करने हेतु उसकी चुंबकीय सहनशीलता का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि अगर पदार्थ जो है चुंबकीय, मतलब चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, तो आप किससे मालूम कर सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के का डिटरमाइन कर ले, वो यहाँ पर वैल्यूज से उससे मालूम चल जाएगा। इस कार्य हेतु सबसे पहले चुंबकीय तुला को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष समायोजित किया जाता है, तथा ठोसों के चुंबकीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु उन्हें यथासंभव पीस कर महीन पाउडर के रूप में बदला जाता है, तथा द्रवों के पारेक्स कांच जो कि महीन व मजबूत कांच होता है जो है से बनाते हैं, पल्ला अथवा एक कांच की नलिका को प्रबल विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख देते हैं, तथा इनका भार ज्ञात किया जाता है। यथासंभव द्रव के लिए प्रयुक्त नलिका से मजबूत बाल से बांधा जाता है, जो मुड़ता भी नहीं है और टूटता भी नहीं है, वह क्षेत्र को प्रभावित भी नहीं होने देता है। खाली परखनली का भार ज्ञात करते हैं, पदार्थ को ठोस
कि एक निश्चित मात्रा लेकर बिना क्षेत्र लगाए उसका भार पुनः हम ज्ञात कर लेते हैं, और यदि विलयन है तो विलयन का भार ज्ञात करते हैं। विलयन का भार खाली पदार्थ के भार से घटा कर प्राप्त किया जाता है। माना कि यह W1 ग्राम है, अब पदार्थ को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाया जाता है, फिर हम उसमें ऑब्जर्वर्स करते हैं। तो पहला जो कंडीशन है ये, इसमें यदि पदार्थ क्षेत्र के प्रति असंवेदी है अथवा उसका व्यवहार चुंबक के प्रति उदासीन है तो प्रबल क्षेत्र लगाने के बाद भी उसके बारे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे पदार्थ सामान्य पदार्थ माना जाएगा। पहला ऑब्जर्वेशन ये हुआ। दूसरा, यदि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र अथवा लोह चुंबकीय है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो रहे हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेट है, तो वह क्षेत्र में रखने पर बल रेखाएं को अपनी ओर प्रबल वेग से आकर्षित करेगा और क्षेत्र की रेखाओं को अपने भीतर से प्रभावित करने का प्रयास करेगा। इस दशा में वह नीचे की ओर खिसकेगा, यह तुला दे रखी है इसमें, और अथवा झुकेगा। परिणाम स्वरूप अतिरिक्त भार पहले भार पड़ने पर चढ़ाकर उसे संतुलित करना पड़ेगा। माना कि वो भार कितना है, W2 है, तो तथा बिना क्षेत्र के लगाए गया भार W1 ग्राम है। ऐसी दशा में चुंबकीय आघूर्ण जो है वो होगा W2 - W1 ग्राम होगा। यहाँ W1 जो है पदार्थ का बिना क्षेत्र लगाए भार है और W2 क्षेत्र में उपस्थित या चढ़ाया गया भार है। W2 व W1 का अंतर अत्यधिक है, अर्थात W2 > किससे, W1 से। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलेगा कि वह अज्ञात जो ठोस या द्रव है वो उसमें चुंबकीय गुण है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो उसमें चुंबकीय गुण में पैरामैग्नेटिक के साथ साथ वो कौन सा हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक हो सकता है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये कि जब हम उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो वो प्रतिकर्षित होता है, वह क्षेत्र से दूर जाने का प्रयास करता है, उस दशा में संतुलित करने हेतु पलड़े से कुछ भार हमको क्या है निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब W1 > W2 और W1 - W2 यहाँ पर होगा, और ऐसे पदार्थ जो होंगे वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे, उनमें चुंबकीय गुण नहीं रखेंगे। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक बैलेंस यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर ये कांच में ये मैग्नेटिक है, तो यहाँ पर ये भार लिया है, पदार्थ लिया है, या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दिया है, तो ये पड़ला कैसे हुआ, चुंबकीय सहनशीलता ज्ञात करने होगी, गॉस की विद्युत चुंबकीय तुला है, ठीक है। इसी जो है यहाँ पर दी गई है, ये यहाँ पर दी गई है जो है यहाँ पर गॉस के ये दिखाया। तो देखिए पदार्थ हमने ये भार ले लिया, पदार्थ इस पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर अगर ये पलड़ा जो है कोई चेंज नहीं होता, पहली कंडीशन। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर ये पलड़ा नीचे की ओर चला जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर ये पलड़ा ऊपर की ओर आ जाता है। दो कंडीशंस यहाँ पर थी। अगर नीचे की ओर जाता है इसका मतलब भार उसमें बढ़ा है, मतलब भार बढ़ा है, इट मीन्स चुंबकीय बल रेखा उसमें से गुजरेगी, कहने का मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर वो पदार्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है गुण प्रदर्शित करेगा। अगर ये पलड़ा जो है ऊपर नीचे की बजाय ऊपर की ओर जा रहा है, रिपल हो रहा है मतलब, तो उस केस में क्या होगा कि वो चुंबकीय बल रेखा है उसमें से गुजरेगी नहीं, और अगर उसमें से नहीं गुजरेगी तो वो पदार्थ जो है प्रति चुंबकीय होगा। और अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा सच रहता है तो वो पदार्थ एक सामान्य पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा, समझ रहे हो, सामान्य उसमें मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये यहाँ पर चुंबकीय सहनशीलता ज्ञात करने हेतु गॉस नाम के साइंटिस्ट था, उसने विद्युत चुंबकीय तुला यहाँ पर दी और उसमें समझाया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा साइंटिस्ट था बिके, कि ये जो है विद्युत चुंबकीय तुला है, ये किसके लिए, ये तो जो गॉस वाली तो थी, यहाँ पर जो है ठोस के लिए यहाँ पर दी गई है, और ये जो द्रव के जो लिक्विड फॉर्म है उनकी चुंबकीय सहनशीलता ज्ञात करने हेतु है। तो यहाँ पर जो है ये नमूने को एक नली के अंदर लिया है, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का नल, अब इसमें क्या है, यहाँ पर फिर ये तुला जो है इस एक पलड़े की इलेक्ट्रॉनिक तुला, ये तुला लिए तो वो उसके आधार पर या ज़्यादा होगी या कम होगी, उसके आधार पर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर निकालते हैं। कहने का मतलब जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करके हम पदार्थों के चुंबकीय गुणों को निकाल लेते हैं, कौन सा पदार्थ में चुंबकीय गुण होगा और कौन सा नहीं होगा, ये हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में हमने इस लेक्चर में समझा। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर
चुंबकीय सहनशीलता के ऊपर बच्चों एग्जाम में शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन आता है, या टिप्पणी कीजिए इसके ऊपर, या जो है इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।